नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूनिट 3 के इम्पोर्टेंट पर्संस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहें और बने रहें हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें। दोस्तों, हमारा पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है वो है दृश्यकारी कलाओं की आवश्यकता एवं महत्ता का वर्णन कीजिए। दृश्यकारी कला, दिखने वाली कला का जो है, दृश्यकारी कलाओं की आवश्यकता एवं महत्ता सर्वविदित है। छात्रों को अपने चारों ओर फैली वस्तुओं व्यवस्थाओं का अवलोकन करना पड़ता है, साथ ही उन्हें उनके साथ वातावरण का संबंध स्थापित करना पड़ता है। जब बच्चा एक वास्तविक वस्तु का अवलोकन करते हुए उनका चित्र बनाता है तो उसकी संकल्पनाएं स्पष्ट होते हुए उसके विश्लेषण करने की क्षमता को विकसित करती है। मतलब किसी चीज़ को जो बच्चा देखते हुए उसका चित्र बनाता है तो उसके स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है, वह ज्ञान स्थायी होता है, बच्चों को आगे बढ़ने में विशेष रूप से सहायक होता है। यह बच्चों में विशेष प्रकार के कौशलों को विकसित भी करती है, जिसे हम निम्न प्रकार प्रकट करते हैं। पहला है मुख्य कौशल अवलोकन का विकास, वस्तुओं के निर्माण की समझ बनाना, अपने चारों ओर व्यवस्थित कला को प्रकट करना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सहयोग की परिभाषा देते हुए चित्र में इसका उद्देश्य बताइए। सहयोग क्या होता है? चित्र में प्रयुक्त किए जाने वाले रूपाकारों को आपसी संबंध जिनके द्वारा एक चित्र दिखाई दे तथा उसमें बिखराव न आए, सहयोग कहलाता है। सहयोग द्वारा संयोजन में प्रस्तुत आकृतियों व विषय वस्तु में भावात्मक संबंध उत्पन्न किया जाता है, जिसके कारण चित्र में संपूर्णता आती है और निरर्थक बिखराव से बचाया जा सकता है। सहयोग का उद्देश्य है कि कलाकृति में कई चित्रों का आभास न हो। मतलब एक चित्र जिसमें पेड़ पौधे हो, गाय भैंस वगैरह, ऐसा कुछ पर्यावरण का रूपी चित्र हो तो वह पूरा पूर्ण लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि अलग अलग दिखें उसमें, तो उसका मतलब होता है सहयोग। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, हम वर्ण सामंजस्य को परिभाषित कीजिए। वर्ण सामंजस्य क्या होता है? वर्णों का सामंजस्य। निम्नलिखित विभिन्न प्रकार की वर्ण संगति के चित्र में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। रंगों का विविधतापूर्ण होना आवश्यक है, अन्यथा चित्र में एक रस्ता आ जाएगी। परंतु चित्र में उसका उपयोग करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि विविध रंगों के प्रयोग से उन्हीं वर्ण सामंजस्य का हास्य तो नहीं हो रहा है। चित्र में समान रंग वाली रंगतों को अपनाना चाहिए। सजातीय वर्ण संगति से सामंजस्य स्थापित करते हुए रंगतों को भी संतुलित ढंग से अपनाया जा सकता है। वर्ण सामंजस्य का मतलब हुआ कि जैसे हम पेड़ का चित्र बना रहे हैं तो पेड़ का तना तो क्या होगा, ब्राउन कलर का होगा, तो उसमें वो उसको हम हरा नहीं कर सकते और कुछ नहीं कर सकते, है ना, तो लगभग ब्राउन सा ही रहता है ना। और पेड़ के पत्ते होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, तो ये सामंजस्य स्थापित करने के लिए होता है। प्रश्न नंबर 5 दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, रेखा के 3 प्रकारों का उल्लेख करते हुए उनके प्रभाव बताइए। सीधी खड़ी रेखा, यह रेखा धरातल पर सीधी ऊपर की ओर अंकित की जाती है। यह रेखा शक्ति, स्थायित्व, दृढ़ता एवं निश्चय एवं प्रकृति के भाव दर्शाती है। ऊपर जा रही है, मतलब ऊपर जा रही है तो ऊपर जो लेवल बढ़ रहा है ना। क्षितिजाकार रेखा, यह धरातल पर सीधी पड़ी हुई अंकित की जाती है। यह रेखा शांत, निश्चित, विश्राम आदि के भाव व्यक्त करती है। नीचे मतलब सरल रेखा में 180 डिग्री के कोण पे। तीसरा हुआ तिरछी रेखाएं, ये रेखाएं क्षितिज से जो कोण बनाती है वह 80 डिग्री से कम या 100 डिग्री से अधिक होता है। ये रेखाएं अस्थिरता, वेग आदि को व्यक्त करती है। छठा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, रंग के प्रमुख गुण बताइए। रंग मतलब वर्ण के गुण। वर्ण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, रंगत, मान, सघनता। रंगत वर्ण की प्रकृति होती है, लालपन, पीलापन, नीलापन, इससे रंगों का अंतर स्पष्ट होता है रंगत से। और मान रंगत के हल्केपन और गहरेपन का द्योतक है। जैसे गहरा लाल और हल्का लाल सफ़ेद रंग के मिश्रण के रंग के मान को बढ़ाया जा सकता है, काले के मिश्रण से यह मान घटाया जा सकता है। इस प्रकार सफ़ेद व काले की मात्रा किसी भी रंग में मिलाकर एक ही रंगत के विभिन्न मान प्राप्त किए जा सकते हैं। सघनता, यह रंग की शुद्धता का परिचायक होता है। जो रंग तीव्र व प्रखर होता है वह उतना ही शुद्ध होता है। जिस रंग में धूमिलता होती है वह कम सघन अथवा अशुद्ध होता है। किसी भी वर्ण में तटस्थ अथवा धूमिल रंग मिला देने से उसकी सघनता को कम किया जा सकता है।
सातवां क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ण के प्रमुख भेद स्पष्ट कीजिए। मुख्य वर्ण, द्वितीय वर्ण है ना, मुख्य वर्ण क्या हुआ, लाल पीला तथा नीला प्राथमिक वर्ण है जो पूर्णतया शुद्ध है, इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, लाल पीला नीला हरा है ना। द्वितीय वर्ण है कि नहीं, दो प्राथमिक रंगों को मिलाकर जो रंग प्राप्त होता है उसे द्वितीय रंग कहा जाता है, जैसे लाल प्लस नीला इज इक्वल टू बैंगनी, लाल और नीला मिलकर हैं बैंगनी रंग का निर्माण करते हैं, और लाल और पीला मिलके नारंगी का, पीला और पीला रंग मिलके हरा रंग बनाते हैं दोस्तों। इसी प्रकार द्वितीयक रंगतों में किसी भी अन्य रंगतों को मिलाकर विभिन्न नई रंगतों को प्राप्ति की जा सकती है। तीसरा जो है समीपवर्ती वर्ण, समीपवर्ती वर्ण उन रंगों को कहा जाता है जिनमें एक श्रेणी या जाति के रंग विद्यमान हो, जैसे पीला, पीला नारंगी तथा नारंगी, सभी में पीला रंग उपस्थित है। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विरोध वर्ण किसे कहते हैं, विरोध वर्ण किसे कहा जाता है। यदि यदि किन्हीं दो मुख्य रंगों को मिला दिया जाए तो उनसे प्राप्त द्वितीय रंग तथा शेष बचे हुए रंग एक दूसरे के विरोधी अथवा पूरक रंग कहलाते हैं। दो रंगों को मिला दिया जाए उससे प्राप्त द्वितीयक रंग तथा शेष बचे हुए मुख्य रंग एक दूसरे के विरोधी अथवा पूरक रंग कहलाते हैं। वर्ण चक्र के एक दूसरे में आमने सामने वाले रंग एक दूसरे के पूरक होते हैं, उदाहरणतः लाल का विरोध या पूरक है, हरा नारंगी या विरोध पूरक का विरोध है, नीला तथा बैंगनी का विरोधी पूरक है पीला। रंगों के प्रकृति के आधार पर रंगों को किन श्रेणियों में बांटा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वर्ण प्रभाव से क्या अभिप्राय है, अथवा में इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, वर्ण विभिन्न वर्ण प्रभावों को उदाहरण सहित समझाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आ सकता है ये आपके एग्जाम में। वर्ण प्रभाव इफेक्ट ऑफ कलर्स, रंगों के मानसिक प्रभाव भी होते हैं जिनका हमारी भावनाओं से संबंध होता है, वर्ण भावनाओं को उद्वेलित करने के लिए शक्ति रखते हैं, अतः वर्ण के इन्हीं प्रभावों के कारण साधारणतया इन्हें उष्ण वार्म शीतल कूल रंगों के रूप में वर्गीकृत है। उष्ण रंग क्या होते हैं, जिन रंगों की तरंग गति बहुत अधिक होती है, जो सूर्य तथा आग के रंगों के समीप होते हैं, जिनको बहुत देर तक देखने में नेत्रों में कठिनाई अनुभव होने लगती है, वर्ण रंग की श्रेणी में आते हैं, जैसे पीला नारंगी लाल आदि। इन्हीं प्रभावों के कारण उष्ण रंग अग्रगामी प्रतीत होते हैं। उष्ण रंगों के प्रभाव लाल उत्तेजना, प्रसन्नता तथा उल्लास, राष्ट्र प्रेम, युद्ध भय, उष्णता प्रेम, कामुकता, आवेग आदि प्रभावों का द्योतक है। पीला प्रसन्नता, गर्व, प्रफुल्लता, प्रकाश, बुद्धिमता आदि प्रभावों का द्योतक है। तीसरा है नारंगी ज्ञान, वीरता, प्रेरणा आदि प्रभावों का द्योतक है। दूसरा जो प्रकार है इसका शीतल रंग, ये वे रंग हैं जो हमारी आंखों को शीतलता प्रदान करते हैं, वे शीतल रंगों की श्रेणी में आते हैं। शीतल रंग कौन कौन से हैं दोस्तों, नीला हरा आदि। शीतल रंग पृष्ठगामी प्रतीत होते हैं। शीतल रंगों के प्रभाव, नीला होता है जो शीतलता, राजसी, सत्यता, शांति, निराशा, दुख, स्थिरता, दृढ़ता आदि का द्योतक है। हरा रंग होता है शिथिलता, विश्राम, सुरक्षा, खुशहाली आदि प्रभावों का द्योतक है। अगला जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, पेस्टल क्या है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, पेस्टल क्या है, पेस्टल रंग क्या है, किसी भी सतह पर ग्रेफिटो तकनीक के चित्र बनाने की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए, ऐसे भी दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है ये, और आपको पूरा करना पड़ेगा, पूरा करते ही आपके पूरे नंबर, चार नंबर का क्वेश्चन दोस्तों हो सकता है ये। सरल रूप से देखा जाए तो पेस्टल भिन्न तरह से अनुबद्ध रंजकों की स्टिक्स हैं, इनको कागज पर प्रयोग करके पेंटिंग बनाते हैं। पेस्टल्स कई रूप के होते हैं, सूखा पेस्टल, तेलीय पेस्टल। सूखा पेस्टल में क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, कठोर पेस्टल, मुलायम पेस्टल। कठोर पेस्टल में होता है उच्च संयोजक, कम रंग, बाह्य रेखा खींचने में प्रयुक्त, रंग कम चमकीले होते हैं, स्थिर कारक अपेक्षित नहीं है। और मुलायम पेस्टल होता है उसमें अधिक संयोजक, कम रंग, बाह्य रेखा खींचने में प्रयुक्त, रंग कम चमकीले होते हैं, स्थिर कारक अपेक्षित नहीं है। दोस्तों दूसरा जो प्रकार है हमारा तेलीय पेस्टल, ऑयल पेस्टल, इसकी अनुरूपता
वह मुलायमता रंग चमकीले होते हैं, इनको मिलाना कठिन होता है, लेकिन चित्रकला में लयात्मक प्रभाव सृजित करने के लिए कपड़े के टुकड़े का प्रयोग कर मिश्रित किया जा सकता है। इसके लिए स्थिर कारक अपेक्षित नहीं है। रंगों को एक उचित रीति प्रदान करने के लिए एक अच्छी गुणवत्ता का कास्तूरी कागज, कारतूसी कागज दोनों के साथ या पेस्टल शीट प्रयुक्त किया जा सकता है। रंग करने की कुछ मज़ेदार किंतु प्रभावी विधियाँ, क्रेयन तकनीक, ग्रेफिटो तकनीक, बैटिक और पेस्टल तकनीक। क्रेयन तकनीक क्या होती है दोस्तों? क्रेयन का प्रयोग करते समय यदि आप इसे धीरे से दबाते हैं तो रंग पेस्टल होते हैं और बिल्कुल कोमल हो जाते हैं। दूसरी तकनीक है दोस्तों ग्रेफिटो रंग, ग्रेफिटो तकनीक। दूसरी तकनीक है ग्रेफिटो तकनीक। यह तकनीक दो विभिन्न रंगों की सतहों पर आश्रित होती है। पहला एक हल्के रंग के कागज़ के शीट को ढकता है। यह विभिन्न रंगों के कुछ निकटतावर्त क्षेत्रों में स्थित होता है। अब हल्के रंग के काले क्रेयन से ढक दें। अब एक ताक्ष्य धार वाली वस्तु से चित्रकला काली सतह के एक प्रकार खरोंचे की नीचे की रंग उद्घाटित हो जाता है। तीसरा है दोस्तों बैटिक। बैटिक में क्या होता है? पहले मोम के क्रिएशन से आकृति खींचना आता है, फिर जल रंगों या पतले रंगों शाही से पृष्ठभूमि पेंट करना होता है। पानी मोम पर फिसल जाता है और इस प्रकार आकृति दृश्य रह जाती है। चौथा होता है दोस्तों पेस्टल तकनीक। पेस्टल तकनीक में क्या होता है? पेस्टल तकनीक जो होती है क्रेन किसी भी प्रकार की सतह पर प्रयोग की जा सकती है, जैसे ग्लास, प्लास्टिक या बर्तन आदि पर बनाए जा सकते हैं पेस्टल तकनीक से चित्र। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक दोस्तों, तान किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तान किसे कहते हैं? तान का अर्थ होता है तान रंगत के हल्के व गहरेपन को कहते हैं। तान होता है जो रंगत के हल्के व गहरेपन को कहते हैं, जैसे नीला, हल्का पीला, गहरा आदि। तान रंग में काले अथवा सफ़ेद रंग की उपस्थिति का परिणाम है। इन रंगों की मात्रा को घटाकर या बढ़ाकर किसी भी रंग में विभिन्न ताने प्राप्त की जा सकती है। तान को तीन प्रमुख भागों में बांटा गया है, गहरा, छाया, मध्यम, हल्का प्रकाश, है ना? तीन भागों में, गहरा, मध्यम, हल्का। चित्र में तान का क्या महत्व है? चित्र में तान का क्या महत्व है? पहला महत्व है तान के प्रयोग से द्विआयामी चित्रभूमि पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। इससे वस्तु के वास्तविक आकार आयतन का आभास मिलता है। दूसरा जो महत्व है, यथार्थ अंकन के लिए तान एक आवश्यक तत्व है। तीसरा जो महत्व है, क्षय वृद्धि, स्थिति संजय, लघु आदि संयोजन सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए तान का होना अनिवार्य है। चौथा दोस्तों, दूर निकट, बड़ा छोटा आदि को दर्शाने में तान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पांचवा है, तान की उपस्थिति चित्र के भावात्मक पक्ष को भी सुदृढ़ बनाती है। पांचवा जो है, पोत का महत्व स्पष्ट कीजिए। पोत क्या होती है? पोत होता है पोत की विविधता से अंतराल को गति प्रदान कर उसकी एकरसता को समाप्त किया जा सकता है। दूसरा जो है, संयोजन सिद्धांतों की स्थापना में पोत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तीसरा होता है, चिकने खुरदरे, रुई, तेल, पत्थर आदि, पानी आदि का अंकन पोत द्वारा ही उपम पेद रूपम भेद को प्राप्त होता है। चौथा है, पोत से धरातल में रुचि उत्पन्न होती है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पोत व अंतराल में क्या संबंध है? चित्र में अंतराल की एकरसता को पोत की सहायता से भंग किया जा सकता है। चित्र में अंतराल की जो एकरसता होती है उसको पोत की सहायता से भंग किया जा सकता है और इस प्रकार उसमें रुचि उत्पन्न की जा सकती है। यदि दो आकार परिणाम या रचना में एक समानता है तो पोत द्वारा असंतुलन प्राप्त किया जा सकता है। आधुनिक कला में कोलाज का विकास पोत के प्रति रुचि उत्पन्न होने से ही हुआ है, जिसके माध्यम से पृष्ठभूमि चित्रभूमि पर विभिन्न वस्तुओं को चिपकाकर चित्रभूमि की एकरसता को तोड़ा जा सकता है। पोत अथवा पोत तथा अंतराल के पृष्ठ पर संबंध के कारण कला की अभिव्यक्ति को सार्थक रूप दिया जा सकता है। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, रंगोली के बारे में विस्तार से बताइए। रंगोली क्या होती है? हमारे देश में उत्सव तथा त्यौहार पर आंगन की साज सज्जा के लिए आंगन की साज सज्जा के लिए कई प्रकार के माध्यमों का उपयोग किया जाता है, जिसमें रंगोली भी एक माध्यम है। शुभ अवसरों, घर पर, घर आंगन में रंगोली बनाने की परंपरा है। दक्षिणी भारत के कई घरों में प्रतिदिन रंगोली बनाने की परंपरा विद्यमान है। बच्चे रंगोली की संपूर्ण प्रक्रिया को अपने अंतःकरण में ले जाएं और
जिस तरह आहार शरीर में रक्त की का सृजन करता है, उसी तरह अंतःकरण में गृहित कला संस्कार से बच्चे रंगोली कला में नए नए सृजन कर पाते हैं। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका रंगोली सिखाने के लिए अपने विवेक से नवीन प्रयोग कर सकते हैं। रंगोली कई विधियों से बनाई जाती है, जिसमें प्रमुख है मुक्त हस्त विधि, स्टेलिंग या छलनी विधि। रंगोली की सामग्री सिर्फ रंग और रंग मिश्रित चूर्ण द्वारा ही नहीं, अपितु अनेक पदार्थों से रंगोली तैयार की जा सकती है। अनाज, फूलों की पंखुड़ियों, पत्तियों की कतरन, बीजों, रंगीन मोतियों, लकड़ी के रंगीन बुरादे तथा विभिन्न प्रकार के उपलब्ध रंगीन पदार्थों से भी रंगोली बनाई जा सकती है। फड़ पेंटिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी दिख ली दोस्तों, फड़ पेंटिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। फड़ चित्रण क्यों किया जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपके। फड़ पेंटिंग भारत के राजस्थान राज्य में प्रचलित लोक कला की एक लोकप्रिय शैली है। चित्रकला यह शैली परंपरागत फड़ के रूप में जानी जाती है। राजस्थान के स्थानीय देवता तथा वीर पुरुषों जैसे पाबूजी, हड़बूजी, देव नारायण, रामदला, कृष्णलल, रामदेव आदि फड़ वाचन परंपरा यहाँ की लोक जीवन शैली का अनूठा योग है। 20 हाथ लंबा कपड़े की चित्रित एक फड़ में बाबूजी तथा अन्य किसी के जीवन वृत्त का संपूर्ण चित्र होता है। परंपरागत फड़ में रूप से फड़ वनस्पतिक रंगों से चित्रित करते हैं तथा भोपा युगल जो होता है, पुजारी इस फड़ के आगे खड़े होकर संगीत एवं नृत्य के साथ लोक गायन श्रेणी से संबंधित देवता के जीवन वृत्तांत का वाचन करते हैं। फड़ पेंटिंग अपने आप में अद्भुत होती है तथा इसमें विभिन्न लोक कलाओं का संगम भी होता है। फड़ चित्रण के लिए भीलवाड़ा जिले में शाहपुरा स्थान प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा के श्री लाल जोली के उनके नवाचार और रचनाकार कार्य के लिए जाना जाता है, जो फड़ चित्रकला के लिए विख्यात कलाकार है। इम्पोर्टेंट प्रश्न था दोस्तों, ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थानी पेचवर्क क्या है, राजस्थानी पेचवर्क कैसे किया जाता है। पेचवर्क अर्थात पेबंद, प्राचीन काल में दादी नानी कपड़ों की कतरनों को पोटलियाँ खोलती और अपने हाथों से घर में उपस्थित चादर, गुदड़ियाँ, लहंगे, ओढ़नी, तकियों आदि के कवर आदि को एक नया रूप देने की दृष्टि से सुई धागे से जो है उनको पो देती थी, मनमोहन पेच लगा देती थी। सुई एवं विविध रंगों के धागों से विभिन्न प्रकार के टांकों का प्रयोग तथा कहीं कहीं पर बटन लगा टांक कर अलग अलग प्रभाव उत्पन्न किया जाता था। गाँव में आज भी जो होता है पेचवर्क की पारंपरिक कला जीवित है। आधुनिक युग में आधुनिक पोशाकों पर विभिन्न विभिन्न आकृति व रंग संयोजन से सज्जित कई डिजाइनों को परिपूर्ण पेचवर्क अब वस्त्र अलंकरण की एक मनमोहक नवीन विद्या बन गई है। यह कला पारंपरिक और पुश्तैनी न रहकर आज उद्योग के रूप में फूल फूल रही है। सुखद पहलू है कि औद्योगिकरण के बावजूद राजस्थान के कई क्षेत्रों में महिलाएं इस पेचवर्क का कार्य करते हुए स्वतंत्र रूप से अपने निजी व्यवसाय में संलग्न है। घरेलू हस्तकला से बेरोजगार एवं निराश्रितों एवं स्वरोजगार के लिए द्वार खुल गए हैं। राजस्थान में पेचवर्क के साथ कपड़ों तथा कशीदाकारी, सिलाई, बुनाई, सूती, ऊनी आदि उत्पाद के साथ असंख्य कलाकार नित्य नवीन सृजन कर रहे हैं, अपने व्यवसाय को बढ़ा रहे हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों अगला वाला, त्रिआयामी दृश्य कला क्या है। त्रिआयामी दृश्य कलाएं, त्रिआयामी अर्थात 3 आयाम, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई, उभार, है ना। मूर्ति के त्रिआयामी होने के कारण ही दर्शक शिल्प को सभी कोणों से देख सकता है। शिल्प निर्माण हेतु कलाकार प्राचीन काल से ही अनेक माध्यमों को प्रयुक्त करता आया है, जिसमें लंबी लकड़ी, पत्थर, लोहा, कांसा, सिमेरिक आदि प्रमुख हैं। और वर्तमान में कलाकार सृजन के प्रयास के साथ ही अनेक नवीन माध्यमों को प्रयुक्त करता आया है। फाइबर, कांच, सीमेंट, कंक्रीट, कपड़े, रस्सी, कागज आदि अनुपयोगी सामग्रियों को माध्यम बनाकर भी शिल्पकारियों का सृजन कर रहा है। अगला जो इम्पोर्टेंट बना दोस्तों, मिट्टी से तैयार मरण शिल्प क्या है। मिट्टी से तैयार होने वाली कौन सी सामग्रियों की विशेषता आवश्यकता होती है, इसे तैयार करने की विधियां बताइए। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। मरण शिल्प क्या होता है। मरण शिल्प पकाई गई मिट्टी की मूर्ति को कहा जाता है। मरण शिल्प जो होता है मिट्टी को
से बनाए हुए बर्तन उनको पकाने के बाद को जो मृदशिल्प कहा जाता है। मिट्टी के माध्यम से कल्पना को यथार्थ रूप में साकार किया जा सकता है। मिट्टी के शिल्पों को तैयार करने के उपरांत मजबूती हेतु पकाया जाता है। इन पकी हुई मरण आकृतियों को टेराकोटा कहा जाता है। मिट्टी से तैयार हेतु आवश्यक सामग्री मरण शिल्प निर्माण के लिए चिकनी मिट्टी, छलनी, लकड़ी का गट्टा, लकड़ी का बुरादा, पानी के लिए मग आदि की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम सूखी चिकनी मिट्टी लेकर उसे लकड़ी के गट्टे से कूट कूट कर छलनी से माध्यम से कंकर पत्थर आदि अशुद्धियों को दूर किया जाता है। दूसरा होता है छनी हुई मिट्टी में थोड़ा सा लकड़ी का बुरादा अथवा घोड़े की लीद मिट्टी के सूखने पर फटने से बचाने के लिए मिलाई जाती है। इसके बाद मिट्टी के मध्य स्थान पर थोड़ा सा पानी डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है। मिट्टी में के अच्छी तरह गल जाने के बाद मिट्टी के आटे की तरह थोड़ा सख्त गूंथने पर शिल्प हेतु मिट्टी तैयार हो जाती है। मरण शिल्प निर्माण की प्रक्रिया। अब मिट्टी तो हमने तैयार कर ली, पर उसको मूर्तियाँ या उसको आकार कैसे देंगे वो अब इस प्रक्रिया में देखते हैं। उभारदार शिल्प बनाने के लिए आंगन गत्ता, प्लाईवुड आदि को काम में लिया जा सकता है। सर्वप्रथम तैयार मिट्टी को आधा इंच के लगभग मोटाई के लिए हुए एक मनवांछित ज्यामितीय आकार की प्लेट उक्त धरातल पर तैयार करें। फिर प्लेट पर मनचाही आकृति का किसी नुकली वस्तु से सांकेतिक अंकन करें। तत्पश्चात थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर अंकित आकृति को तैयार करें। अंत में पानी का हाथ घुमाकर सफाई दें। अतिरिक्त मिट्टी का कलाकृति के पास से हटा लें एवं शिल्प को सूखने के लिए छाया में सुरक्षित रख दें। इसी प्रकार त्रिआयामी मरण शिल्प निर्माण के चाक का प्रयोग किया जाता है। एक चाक के बिना भी आकारों का निर्माण किया जा सकता है। दोस्तों अगला जो इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पेपर मेसी तैयार करने की विधि। पेपर मेसी क्या होता है, कैसे तैयार किया जाता है, क्या काम में लिया जाता है, इन सबका क्वेश्चन भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। प्रश्न इसका जो वन टाइप है सामग्री पेपर मेसी बनाने के लिए अनुपयोगी अखबार, पुराने अखबार, पुरानी मटकी, गोंद, रुई, चौक, मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, सुकूटने के लिए इमामदस्ता या पत्थर, पानी, बाल्टी आदि। दूसरा जो होता है सबसे पहले अखबारी कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर पुरानी मटकी या बाल्टी में पानी डालकर 5-6 दिन तक गला देना है। तीसरा जो होता है 5-7 दिन बाद अखबार को निकाल कर निचोड़ लें। इसके लिए किसी पक्के फर्श पर पत्थर अथवा इमामदस्ते से थोड़ी थोड़ी मात्रा में कूट कर बारीक कर लें। चौथा जो होता है अच्छी तरह कूट जाने के बाद इसमें कुछ मात्रा में चौक मिट्टी, थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी, थोड़ी सी रुई, थोड़ी सी गोंद को एक साथ मिलाकर आटे की तरह गूंथ लें। आटे की तरह गूंथी हुई परेशानी शिल्प बनने के लिए तैयार है। चित्र व मूर्ति में क्या अंतर होता है, चित्र और मूर्ति में क्या अंतर होता है। चित्र तो दोस्तों पेंटिंग को कहते हैं, मूर्ति होती है जो त्रिआयामी होती है, चित्र होता है जो एक तरफ से देखा जा सकता है। चित्र द्विआयामी होते हैं जबकि मूर्ति त्रिआयामी होती है। देख लो दोस्तों आगे ना, चित्र तो द्विआयामी होते हैं और मूर्ति होती है त्रिआयामी। दूसरा जो होता है चित्रकारी के साधन सीमित होते हैं, मूर्ति निर्माण के काफ़ी साधन उपलब्ध होते हैं। तीसरा जो होता है त्रिआयामी, द्विआयामी होने के कारण चित्र में तीसरे आयाम का निरूपण भ्रम उत्पन्न करने के लिए किया जाता है जबकि मूर्ति में इस प्रकार का कोई भ्रम की आवश्यकता नहीं होती। चौथा होता है चित्र निर्माण में विभिन्न सिद्धांत का पालन करना अनिवार्य होता है जबकि मूर्ति निर्माण में कई प्रकार के सिद्धांतों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों वीडियो में दिखाए गए सारे क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर का जो है हमारा तीसरा यूनिट है इसमें से ही क्वेश्चन दोस्तों आने वाले हैं। अपने सभी पेरेंट्स को शेयर कर दें दोस्तों, और एक बार, दो बार, तीन बार इसको वीडियो को देखकर सारे क्वेश्चंस को आप याद कर लें दोस्तों, रट लें। धन्यवाद दोस्तों।